हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रसादम फूड हब में। जन्माष्टमी आ रही है तो आप व्रत की थाली में क्या बनाने वाले हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन आज मैं आपके लिए कोफ्ते लेके आई हूँ, वो भी व्रत के लिए, लौकी के कोफ्ते। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लौकी ली है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के मिक्स करके 5 मिनट के लिए साइड में रख रही हूँ। 5 मिनट के बाद इसमें से मैं पानी जो है सारा वो निचोड़ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा पानी नमक वाला निचोड़ लिया है और लौकी को अलग से एक बोल में रख लिया है। लेकिन ये जो पानी है वो हमें फेंकना नहीं है, हम उसको बाद में करी में यूज़ करेंगे। तो अब हम इसी बोल में 2 बड़ी चम्मच जितना मूंगफली जो मैंने दरदरी पीसी हुए वो डालूंगी, 3 बड़ी चम्मच सामा चावल जिसको मैंने सेक के अच्छे से फाइन पाउडर बना दिया था वो भी डाला है। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच अदरक मिर्ची की पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच काली मिरी का पाउडर और 1/2 चम्मच जितना तेल। नमक हमने पहले से डाला है तो मैंने नहीं डाला है। अगर बाइंडिंग करते समय आपको कम लगे तो आप इसमें ज़्यादा सामा चावल का पाउडर डाल सकते हैं। सामा चावल के पाउडर की जगह पे आप फलाहारी आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो थोड़ा कम लगेगा। सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, अब मैं उसको गरम तेल में मध्यम आंच पे फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कोफ्ते कितने अच्छे बने हैं, ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने हैं और अंदर से सॉफ्ट है क्योंकि लौकी है। आप ज़्यादा नहीं डालें वरना वो तेल में बिखर सकते हैं, तो थोड़े थोड़े बैच में ही फ्राई करने हैं। और अब इसको साइड में रख के करी बनाने के लिए 1 चम्मच घी मैंने पैन में गरम कर लिया है। आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं या फिर दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। अब 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट और 1 चम्मच मैंने रेशम पट्टी और कश्मीरी मिर्च का जो मिक्सचर है वो डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। तुरंत ही हमें उसको सौते करना है और गैस की फ्लेम हमें बहुत ही धीमी रखनी है वरना मिर्ची जल जाएगी। 1/2 कप टमाटर की प्योरी डाली है। अब मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच जितना काली मिरी का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक, नमक बिल्कुल कम डालना है, और 1 छोटी चम्मच चीनी डालनी है। फिर से उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे और 2-3 मिनट तक उसको पकने देंगे। अब जो लौकी का पानी हमने साइड पे रखा था ना वो डालेंगे और 2 बड़ी चम्मच फ्रेश दही जो बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए उसको बीट करके डालेंगे। 1/2 कप पानी डालेंगे, 2 बड़ी चम्मच हम मूंगफली का पाउडर डालेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करके 3-4 मिनट तक घी जब सेपरेट हो तब तक हमें उसको पका लेना है। जैसे ही घी सेपरेट होगा हम इसमें डालेंगे कोफ्ते, लेकिन कोफ्ते डालने के बाद हमें सिर्फ उसको 2 मिनट तक ही पकाना है और एकदम हल्के हाथों से उसको मिक्स करना है। ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे वरना वो टूट जाएंगे। तो हमारी जो फराली कोफ्ता करी है वो बिल्कुल तैयार है। गैस बंद कर दिया और मैंने धनिये से गार्निश कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।